कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं निकला हूँ गांव की ओर। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो डाली नहीं, तो आज मैं निकल चुका हूँ अपने दोस्तों के साथ और हम जा रहे हैं आज देवरिया ताल। तो देवरिया ताल से पहले एक जगह, एक गांव पड़ता है, क्या नाम था? सारी। तो पहले पड़ता है सारी गाँव और वहाँ से फिर आगे 3 किलोमीटर और जाना पड़ता है देवरिया ताल को। तो हमारा आज का डेस्टिनेशन वही होगा। साथ में मैं जिनके साथ आया हूँ मेरा दोस्त, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये है मनीष और ये है सुमित, ये दोनों भाई हैं। तो अभी हम पहुँचने वाले होंगे धारी देवी मंदिर में। बहुत ट्रैफिक रहता है यार धारी देवी मंदिर में, एक बात तो है भाई, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मतलब वो ये ना, श्रद्धालु कहीं पे भी ज़्यादा आने लग जाते हैं ना, तो उसके साथ साथ उनके साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। केदारनाथ में भी हो रहा है, चार धामों में आप देख रहे हैं कि लोगों को बहुत वेट करना पड़ रहा है, उनके लिए सुविधाएं उतनी नहीं। तो ऑब्वियसली वो बहुत ही रिमोट एरियाज पे वो सारे मंदिर हैं, तो वहाँ पे फैसिलिटीज को उतना ज़्यादा प्रोवाइड कर पाना सरकार को भी थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। थोड़ी सी उनकी नेग्लिजेंसी भी है, बट द रिजल्ट इज कि वो जगह अभी इतने श्रद्धालुओं को एकोमोडेट नहीं कर पा रही है ना। तो आजकल वैसे भी छुट्टियों का टाइम है तो लोग काफ़ी निकल रहे हैं ज़्यादा यात्रा में, लोग मतलब सड़कें भी खचाखच भरी है, जाम है। ऋषिकेश में तो क्या ही बोलना, बहुत ज़्यादा जाम है। हम निकले थे सुबह 6 बजे और पहुँचे हम ऋषिकेश 6:45 पे। तो वहाँ से निकलना हमको बहुत टफ पड़ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। एक सवा घंटा हमारा ऋषिकेश काटने में, एक सवा घंटा, सही कह रहा है, एक घंटा तो वहाँ हमारा ऐसे हो गया। तो चलो अभी तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, ये देखो रोड बिल्कुल खाली है। और तो यहाँ पे क्या है, कौन सा, अच्छा रुद्रप्रयाग 22 और ये यहाँ पड़ता फरासू गांव। तो आजकल यार लोग कुछ गर्मी से राहत पाने के लिए भी पहाड़ों की ओर निकल रहे हैं, कुछ लोग झरनों तालाबों की ओर निकल रहे हैं, हिडन लोकेशंस ढूंढ रहे हैं। हमें नहीं पता कोई हिडन लोकेशन, हम आपको वहीं ले जाएंगे जो हमने जा रहा है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, गंदगी मचाते हैं, है ना, कचरा अपने साथ जो लेके आते हैं बॉटल वोटल पैकेट वगैरह सब वहीं छोड़ के। एक और चीज हम इस ट्रिप में आपको, मतलब आप देखेंगे, हम कोशिश करते हैं कि हम अपना कोई भी कचरा वहाँ ना छोड़ें। तो हम जितना भी वहाँ पे हमारी तरफ से जो भी गंदगी वहाँ होगी उस जगह पे, विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक, हम उसको वहाँ पे कुछ नहीं छोड़ेंगे। हमारे ओर से नेचर को कोई हार्म नहीं होगा, मतलब वो जगह हमारे आने से पहले जैसी थी, हमारे जाने के बाद भी वैसी रहनी चाहिए, है ना। और कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम दें तो कुछ अच्छा ही दें, ऐसा कुछ बुरा कॉन्ट्रीब्यूशन प्लास्टिक वगैरह वहाँ ना छोड़े। तो ये एक संदेश सभी के लिए, तो अपनी बोतलें फोड़े ना छोड़ सकते तो ठीक है, पर फोड़े ना। अगर दर्शन के लिए आते हो, तीर्थ यात्री हो, तो ये सब करें, तब तो ये सब बिल्कुल ना करें, ये चीजें शोभन देती। फिर अगर आप घूमने के लिए आते हो कहीं पहाड़ में या कहीं होटल वोटल रिजॉर्ट में, तो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमको लग जाएगा 3:30-4 बजे तक पहुँच पाएंगे हम, मुझे लगता है, है ना, इतना टाइम। सर ये है यहाँ के नज़ारे और धारी देवी माता का मंदिर बस आने ही वाला है। इस साल तो कुछ ज़्यादा लोग आ रहे हैं यार, पता नहीं कैसे चलना उनको, कहीं भी गाड़ी रोक दे रहे मोड़ पे, वो आपके लिए भी मुसीबत है और दूसरों के लिए तो है ही फिर मुसीबत। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाती है दुकानें, धारी देवी मंदिर का गेट मुख्य द्वार आगे है, यहाँ से लेफ्ट को आपको दिखाई देगा। और यहाँ आगे जाके आप पूजा की सामग्री ले सकते हैं, यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है, ये देखो माता की चुन्नी मिलती है खील बतासे प्रसाद में। ऐसी गर्मी में भी भाई लोगों को चैन नहीं है। देख लो भाई ये है धारी देवी मंदिर के रास्ते का जाम। जय माता दी, जय माता रानी। ये है यहाँ का मुख्य द्वार, देखो यहाँ श्रद्धालुओं को भीड़ देखिए, बहुत ज्यादा लोग आ रखे हैं। आ चुके हम आगे धारी देवी मंदिर से, निकल चुके ट्रैफिक से बाहर। धारी देवी से निकलने के बाद हम पहुंचेंगे नरकोटा में और उसके बाद फिर रुद्रप्रयाग आगे आएगा, उससे पहले हमने लेना है लेफ्ट टर्न। तब रास्ता क्या पतला है। तो हम पहुंचने वाले दोस्तों सारी गांव में और सारी गांव यहां से 20 किलोमीटर है। तो वहां देखते हैं अपना रहने का, देखते हैं आज रात के लिए, फिर कल जाएंगे हम देवरिया ताल। भाई देखने कितना
जाना वहाँ। स्टार्ट होता है देवरिया ताल का प्रवेश द्वार और हम जा रहे हैं आगे ये। तो अभी हम सारी गांव से निकल चुके हैं और हमने अपना ट्रैक पकड़ लिया है। तो ये अभी हम जस्ट हमने स्टार्ट किया है, ये रास्ता ऊपर जा रहा है, पूरी खड़ी चढ़ाई वाला है और 3 किलोमीटर को हमको ट्रैक करना पड़ेगा। तभी से तो और की हालत डाउन, पानी की प्यास लग रही है और सामान भी बहुत है हमारे पास। ये देखो भाई पूरा लोडेड है, ये मेरा सामान एक और सैलानी बैठा है वही पूरा लोडेड है। तो यार अब आ चुके तो जाना ही पड़ेगा अब जैसे तैसे करके, अब चाहे जो हो, है ना भाई? बिल्कुल जाना पड़ेगा। अब तो क्या बोलते हैं, तीर कमान से निकल चुके हैं। यहाँ पे कोई मंदिर पड़ता है शायद, महादेव का मंदिर है और ये नीचे पड़ता है पूरा सारी गांव। तो कल रात को हम लेट पहुंचे जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो और अब नाश्ता करके अब निकल चुके हैं ऊपर के लिए। तो मिलते हैं आपको सीधा और ऊपर जाके आगे, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। तो हम पहुँचे अभी आधे रास्ते में, तो यार रुक रुक के जाना पड़ रहा है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है और हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान है। तो हर 100 मीटर के बाद हम ब्रेक 100 मीटर के बाद ब्रेक ले रहे हैं और ऐसे बैठ बैठ के जा रहे हैं। तो भाई साहब कैसा फील हो रहा है आपको? ऑल गुड ना? अभी तो मेरे को परमानंद मिल रहा है रेस्ट करके, थोड़ा सा रेस्ट करके। और असली पर्वतारोही तो ये हमारे साथ एक ही सांस में चढ़ जाए बोला पूरा पहाड़ वो तो मेरे को। और चलते भी थोड़ी देर में पहुंचते हैं देवरिया ताल। और चढ़ते चढ़ते हम पहुंच गए, 200 मीटर कुछ और चढ़ाई रह गई है। तो 200 मीटर में हमने 10 बार तो फिर रुकना पड़ेगा जिस स्पीड से हम चल रहे हैं। ये पीछे वाला तो बहुत तेज चल रहा है और साहब भी ठीक ही चल रहे हैं, साहब जी की हालत खराब है, दिक्कत हो रही है मुझे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं देवरिया ताल। मेरे जस्ट आगे देवरिया ताल है, ये देखिए काफ़ी बड़ा ये पॉन्ड बना रखा है और पीछे से भी आ रहा है मनीष। और यहाँ से ये है हमारी आज की डेस्टिनेशन। आज हम यहाँ टेंट लगाएंगे, देखते हैं कोई बढ़िया जगह मिलेगी तो वहाँ पे अपना टेंट वगैरह लगा के थोड़ा रेस्ट करेंगे। यार थक चुके हैं वैसे नीचे से आते आते। इधर पे दिखाते ताल दिखा देते हैं। ताल। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ देवरिया ताल में और वहाँ पे पड़ता है चेक पोस्ट। तो हम 3 जने थे तो हमारा टिकट ये कटा है 600 रुपये का। तो हम आ चुके हैं अभी ये तालाब में। हवा चल रही है यहाँ बढ़िया, गर्मी तो नहीं है, बढ़िया हवा चल रही है। और यहाँ देखिए ग्रीनरी चारों तरफ, हरे हरे पेड़ है और ये रास्ता जा रहा है आगे। काफ़ी बड़ा तालाब है ये देख लीजिए। और ये जो रास्ता जा रहा है आगे ये जाता है चोपता के लिए, तो पैदल ट्रैक करने का रास्ता है ये जो है 12 से 14 किलोमीटर तक का। तो यार दोस्तों हम सोच के आए थे यहाँ पर कैंपिंग करेंगे पर यहाँ पर कैंपिंग करना अब बंद हो चुका है 2018 के बाद से, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं और कैंपिंग के दौरान यहाँ गंदगी करते ही चले जाते हैं, इस वजह से यहाँ कैंपिंग करना बंद कर दिया। तो हमने वहाँ पूछा इंचार्ज से, तो उसने बोला कि नीचे जो दुकानें पड़ती है आप वहाँ जाके अपना टेंट लगा सकते हैं।
तो यहाँ तो अब अलाउड नहीं है। और ये देखिए तालाब, बहुत बड़ी एरिया में, ये काफ़ी बड़ा एरिया में तालाब है। और यहाँ कहते हैं कि मछलियाँ पाई जाती हैं, 10-10 किलो की मछलियाँ होती है यहाँ। फोटो छोड़ो, ये देख लीजिए, ये कि यहाँ पे तालाब ख़त्म हो रहा है और उस साइड पड़े पेड़, पुराने पेड़ ऐसे पड़ रखे हैं यहाँ पे। और ये था रास्ता, चले फिर। अभी तुम ऐसे बैठे जैसे थकान लगी हो भाई, क्या हो गया? थकान नहीं लगती। शिव जी का मंदिर है, छोटा सा मंदिर बना रखा है यहाँ रास्ते में। तो फाइनली दोस्तों हमको मिल चुकी है यहाँ पे जगह रहने के लिए, और यहाँ पे लगाएंगे हम टेंट। ये यहाँ पे खेत है और तैयारी करते हैं टेंट लगाने की भाई। तो लग चुका है हमारा टेंट यहाँ पे, और थोड़ा टाइम लगा बस लगाने में, पर लग चुका है यहाँ पे। जगह बहुत बढ़िया है, यहाँ पे बन रहा है क्या? मटन क्या बना रहा भाई? मटन बना रहा है। ये है भाई व्यवस्था। ये वाला भी नीचे तालाब से भर के लाए, और ये हमारा पीने का पानी है, एक दिन के लिए काफी है। बाकी तो फिर बाकी अफगान जलेबी। और गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे बॉयज लगे हैं पेट पूजा की व्यवस्था करने में। भाई चार पैकेट मैगी इसमें पूरे, चार पैकेट मैगी। क्या बढ़िया रंग आया है मैगी का, भूख भी लगी है जिस हिसाब से रंग आ रहा तो। अरे हमारे मैटन के लिए प्याज कटे हुए हमारे मनीष जी द्वारा, और अंदर भी बहुत कुछ था। ये आपको एक बार मैं नज़ारा दिखा देता हूँ, मौसम भी बहुत बढ़िया है यहाँ। और आपको एक और चीज दिखाते हैं, ये हमने अपना चूल्हा लगाया है आग जलाने के लिए। पानी की व्यवस्था भी हम पूरी नीचे से लेकर आए थे, कुछ पानी तो यार नीचे भीरी से लेके आए थे हम, नीचे गांव पड़ता भीरी, यहाँ पानी मिलता ही नहीं क्योंकि हाइट पे है ना, इसलिए यहाँ पानी नहीं मिलता। तो यार यहाँ पे लगा ली हमने आग और रख दिया कुकर, कुकर के अंदर डाल दिया हमने प्याज, तो प्याज अब भुनने ही वाला है, और उसके बाद डालेंगे सीधा। भाई लोग खाते मटन, और अपन है शुद्ध शाकाहारी आदमी, तो मैं अपने लिए अलग से बनाऊंगा, वहाँ पे आलू का झोल बनाऊंगा। और यहाँ पर मटन बनाना शुरू हो चुका है, आग हमने बढ़िया जला दी है, और चिट्टू हमारा अपने लिए वेज आलू की सब्जी बनाएगा पेट्रोमैक्स में। मौसम भी आप देख सकते हैं, वेलकम बैक दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह उठ के हम आ चुके हैं देवरिया ताल में पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ। तो सुबह के अभी 8 बज रहे हैं, और यहाँ देख यहाँ धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है, गर्मियों का टाइम चल ही रहा है, और यहाँ
यहाँ से दिखती है गाइज, पीक दिखती है उधर, चौखंबा वगैरह दिखता है, हिमालयन रेंज दिखती है, पर धुंध की वजह से आजकल कुछ नहीं दिख पा रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद अब निकलते हैं नाश्ता करके नीचे सारी गाँव, उसके बाद देखते हैं कहाँ को जाना का होता है। दोस्तों ये था यहाँ का चेक पॉइंट। तो आप यहाँ पे एंट्री फीस दे सकते हैं, 200 रुपये पर हेड है, और यहाँ पर टेंट लगाना, ड्रोन उड़ाना सख्त मना है, 10,000 रुपये जुर्माना है, और फॉरनर्स की टिकट कटेगी 800 रुपये की। और ये था देवरिया ताल। तो यहाँ अगर आप बरसात के टाइम पे आते हो तो आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखने को मिल जाएंगे। आजकल धुंध काफ़ी है, गर्मियों का टाइम, और कुछ टाइम पहले उत्तराखंड के जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी सब जगह, तो जिसकी वजह से यहाँ पॉल्यूशन हो गया और जो आगे का जो व्यू दिखता था वो ब्लॉक हो चुका है स्मोक की वजह से। दोस्तों बॉयज़ लग गए काम पे यहाँ पे, और जो हमारे कल के बर्तन थे वो हमने कल साफ किए नहीं, तो अभी पानी भर के लाए हैं, बर्तन साफ करेंगे, नाश्ता बनाएंगे, पेट पूजा करके यहाँ से करेंगे प्रस्थान नीचे को। ठीक है भाई, इसके तो पसीने छूटने लग गए अभी से, गर्मी हो रही है, धूप तो है भाई, मानना पड़ेगा बहुत तेज़ धूप है। सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज रही है, फिर भी यहाँ धूप का ऐसा हो रखा प्रकोप, क्या बोला। तो करते हैं फिर इसके बाद प्रस्थान। तो दोस्तों हो चुका है हमारा सामान पैक, निकाल लिया हमने टेंट अपना और सामान पैक करके हमने साइड रखा है, और जा रहे हैं हम यहाँ से नीचे। नीचे जाएंगे सारी गांव में, और जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ करेंगे लंच, फिर यहाँ का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है देवरिया ताल का, और देखते हैं आज कहाँ का कहाँ को जाने को होता है। तो दोस्तों ये है सारी गांव, जो कि पड़ता है ऊखीमठ से 22 किलोमीटर आगे। हाँ और यहीं पे ये ब्लॉग समाप्त करने का टाइम आ चुका है। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ फिर इसी प्रकार से आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।